हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन एरिना अगेन। फ्रेंड्स, आज दिल्ली सल्तनत की थर्ड पार्ट को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सेकंड पार्ट में मैं आपको याद दिला दूं, हम लोगों ने खिलजी डायनेस्टी को डिस्कस किया था, सो अब आ जाते हैं तुगलक डायनेस्टी पे। मैं एक बार फिर से आपको ध्यान दिला दूं, दिल्ली सल्तनत में हम लोगों ने कितनी डायनेस्टीज को डिस्कस करना है। फर्स्ट स्लेव डायनेस्टी डिस्कस कर चुके हैं, सेकंड खिलजी डायनेस्टी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, देन आता है तुगलक डायनेस्टी, और इसके बाद सैयद डायनेस्टी, एंड फिफ्थ एंड द लास्ट डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत इज लोधी डायनेस्टी। सो आज आ जाते हैं दिल्ली तुगलक डायनेस्टी पे बात करते हैं। देखिए दोस्तों, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत ही पेशेंस के साथ पढ़िएगा और बहुत ही पेशेंस के साथ आपको सुनना है इस पूरे वीडियो को। तुगलक डायनेस्टी आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, और क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग पढ़ने की कोशिश किया करिए, ये मेरी एडवाइस है आपको, क्योंकि आपको पीएचडी नहीं करनी है हिस्ट्री पे। आपको सिर्फ क्या करना है, एसएससी या यूपीपीसीएस जो भी क्वेश्चंस कर रहा है उन क्वेश्चंस के आंसर करके अपने मार्क्स ग्रैब करने हैं बस, और आगे मूव कर जाना है। सो डिस्कस करते हैं तुगलक डायनेस्टी को। देखिए सबसे पहली बात तो आपको ध्यान रखनी है, तुगलक डायनेस्टी का टाइम पीरियड क्या था, 1320 to 1414, मतलब 1320 पे मैंने आपको बताया था लास्ट टॉपिक पे कि 1320 में खिलजी डायनेस्टी ओवर हो गई थी, इसके बाद तुगलक डायनेस्टी एस्टैब्लिश हो जाती है दिल्ली सल्तनत में। अभी अगर आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा है, हु वाज द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी, तो आपको ध्यान रखना है कौन था, गयासुद्दीन तुगलक, जिसका टाइम पीरियड सिर्फ 5 ईयर का था, 1322 to 1325। अभी एक चीज आपको और देखिए, मैं जो भी फैक्ट आज बताऊंगा इस वीडियो में उसके साथ साथ क्वेश्चन भी डिस्कस करता चला जाऊंगा। अब देखिए, गयासुद्दीन तुगलक की जो हम बात करते हैं, तो जो कि फाउंडर था, इसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्वेश्चन कहां से रेज होते हैं। देखिए, इससे एक तो क्वेश्चन आपसे करता है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी, देन आंसर विल बी गयासुद्दीन तुगलक। अभी आपसे दूसरा एक क्वेश्चन करता है कि तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक का रियल नेम क्या था, या फिर गयासुद्दीन तुगलक का निक नेम क्या था, या फिर आपसे इसी तरीके से पूछ देता है, या फिर व्हाट वाज द अनदर नेम ऑफ गयासुद्दीन तुगलक, देन आंसर विल बी गाजी मलिक। आपको ध्यान रखना है इसका दूसरा नाम क्या था, गाजी मलिक। अभी दोस्तों मैं आपको एक चीज और बता दूं, एक क्वेश्चन लास्ट टाइम एसएससी सीजीएल ने किया था कि कौन सा ऐसा सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का जिसने गाजी का टाइटल एक्सेप्ट किया था सबसे पहले, तो ध्यान रखना है आंसर विल बी द सेम, गयासुद्दीन तुगलक ही है इसका सेम आंसर। गयासुद्दीन तुगलक पहला ऐसा सुल्तान था जिसने गाजी का टाइटल एक्सेप्ट किया था। देखिए इसके पीछे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब कि बहुत सारे आते थे सुल्तान, कोई कोई टाइटल एक्सेप्ट कर रहा है, कोई बोल रहा है मेरे को सुल्तान बोलना है, कोई बोल रहा है मेरे को गजनबी बोलना है, कोई बोल रहा है, अभी इन्होंने ये आए, इन्होंने बोला सुल्तान का ट्रेंड ओवर हो गया, अभी मेरे को सब लोग गाजी बोलो, ठीक है ना। सो इसके पीछे कोई पर्टिकुलर लॉजिक नहीं है, इन सारे ये सुल्तान का मतलब भी सुपीरियर ही होता है, गाजी का मतलब भी सुपीरियर ही होता है, ये सारे अरेबिक वर्ड्स ही हैं। सो दूसरा क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, अगर आपसे पूछता है गाजी का टाइटल किसने एक्सेप्ट किया, देन आंसर विल बी गयासुद्दीन तुगलक, या फिर अगर आपसे गयासुद्दीन तुगलक का दूसरा नेम पूछता है तो आपको पता होना चाहिए गाजी मलिक, या फिर गाजी तुगलक के भी नाम से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, देखो इस हायरार्की को आपको बस ध्यान रखना है, इस हायरार्की को आपको नहीं भूलना है। इसके बाद नेक्स्ट यहां पे सुल्तान कौन है, मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक के लिए मैं आपको बता दूं, मोहम्मद बिन तुगलक गयासुद्दीन तुगलक का ही बेटा था। अब इसकी हिस्ट्री पे जाते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक की जब हम बात करें तो इसी तरीके से जैसे गयासुद्दीन तुगलक का नेम पूछता है, इसी तरीके से मोहम्मद बिन तुगलक का भी नेम पूछता है, तो आपको पता होना चाहिए इसका रियल नेम था जूना खां। क्या नाम था इसका, जूना खां, ये आपको ध्यान रखना है, ये इसका रियल नेम था। इसने क्या किया था, इसने अपने पिता को मारकर गद्दी पे बैठा था, मतलब कि गयासुद्दीन तुगलक को मर्डर करके ये गद्दी पे बैठता है दिल्ली सल्तनत की, और उसके बाद टाइटल एक्सेप्ट करता है किसका, मोहम्मद बिन तुगलक, बोलता है कि मेरे को क्या बोलोगे, मोहम्मद बिन तुगलक बोलोगे, और इसने टाइम पीरियड क्या सर्व किया हुआ है, 1325 to 1351, मतलब कि 26 ईयर का टाइम पीरियड इसने सर्व किया हुआ है। अभी देखिए, अगर इस पूरी डायनेस्टी की हम बात करें, So, सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से होते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक से होते हैं या फिर फिरोज शाह तुगलक से होते हैं। फिरोज शाह तुगलक के पे अभी हम आएंगे, लेकिन उससे पहले मोहम्मद बिन तुगलक की बात कर लेते हैं। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक से एक सबसे बेसिक क्वेश्चन है, एसएससी के सारे मॉड्यूल्स में पूछ चुका है और यूपीपीसीएस भी पूछ चुका है, आपसे एक क्वेश्चन करता है कि कौन सा ऐसा सुल्तान था जिसे पागल राजा या मूर्ख राजा बोलते हैं। यस, ध्यान रखिएगा, ये मैं सीरियसली बोल रहा हूं, आप कोई भी बुक पढ़ोगे आपको पता लग जाएगा पागल राजा या मूर्ख राजा किसे बोलते थे, देन आंसर विल बी मोहम्मद बिन तुगलक। अब
पूछो सर ऐसा क्यों इसे पागल राजा या मूर्ख राजा बोलते थे। देखिए इसका रीजन है दोस्तों, रीजन ये है कि इसने जो भी स्कीम्स अपने टाइम पीरियड पे रेज करी, मतलब कि जो भी स्कीम्स इसने लॉन्च करी, वो स्कीम्स सारी की सारी फ्लॉप हुई, एक भी स्कीम इसकी हिट नहीं हुई। अब ऑब्वियसली बात है, देखिए डिसीजन हम लोग गलत नहीं लेते हैं, एक्चुअली जो हमारा डिसीजन फेल हो जाता है तो हमें क्या बोल दिया जाता है, फेल्योर बोल दिया जाता है, वही हमारा फेल्योर का रीजन बोल दिया जाता है। सो बस यही कंडीशन थी, इसने कुछ ऐसी स्कीम्स लॉन्च करी जो कि बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाई आगे, फेल हो गई, यही रीजन है कि इसे पागल राजा है मूर्ख राजा के नाम से जानते हैं। अब अगर ये बात करूं कि इसने कौन कौन सी स्कीम लॉन्च करी, यस, तो यहां से भी क्वेश्चन करता है। देखिए एक सबसे बड़ी गलती इसने क्या करी थी, इसका टाइम पीरियड 1325 में स्टार्ट हुआ, 1327 में, ये दो साल बाद ही इसने एक सबसे बड़ी गलती क्या करी। अभी तक देखिए, अभी तक तुगलक डायनेस्टी की कैपिटल क्या थी, दिल्ली थी। एक्चुअली कई बुक्स में आप देखोगे तो लिखा होगा तुगलकाबाद, तो तुगलकाबाद भी दिल्ली का ही पुराना नाम है। तो इसने क्या किया, दिल्ली से मतलब कि तुगलकाबाद से अपनी कैपिटल शिफ्ट कर दी कहां पे, दौलताबाद में। ये आपको बस ध्यान रखना है, यहां से क्वेश्चन बहुत करता है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है लेकिन आपको एक वन मार्क दे के ही जाता है एग्जाम में। सो अभी देखो कहां दिल्ली जहां पे कैपिटल थी और कहां दौलताबाद, दौलताबाद कहां पे है, महाराष्ट्र में, और तुगलकाबाद कहां पे, दिल्ली में। दिल्ली से महाराष्ट्र इसने पूरी पूरी कैपिटल अपनी शिफ्ट कर दी, मतलब कि अपने पूरे सिविलियंस को लेकर मूव कर गया कहां पे, महाराष्ट्र में मूव कर गया। अब ऑब्वियसली बात है उस टाइम पे प्लेन तो होता नहीं था, व्हीकल तो होते नहीं थे, मतलब कि बाय फुट मार्च करा के ले गया कहां तक, दौलताबाद तक, दौलताबाद महाराष्ट्र में। अभी इतना बड़ा मूव जब आप ले रहे हो तो इसने उसके लिए कोई भी प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं करी होती, वहां पे हम लोग सेटअप कैसे करेंगे, दौलताबाद में महाराष्ट्र जा तो रहे हैं, इसने बस एक डिसीजन ले लिया कि हमें महाराष्ट्र जाना है, दौलताबाद जाना है, और पूरे सिविलियंस को अपने मूव करा दिया। सो फाइनली ये भी इसका स्टेप नहीं सक्सेस हो पाया। एक तो देखिए एक क्वेश्चन, अब देखिए यहां से आपको क्वेश्चन कितने मिल रहे हैं, कौन सा ऐसा सुल्तान था जिसने अपनी कैपिटल को दौलताबाद शिफ्ट किया था, देन आंसर विल बी मोहम्मद बिन तुगलक। दूसरा अगर आपसे क्वेश्चन करता है इसने कब अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया था, तो आपके पास आंसर है क्या, 1327 में इसने ट्रांसफर करी थी अपनी कैपिटल। अच्छा जब ये फेल हो गई इसकी, मतलब कि वापस से दिल्ली क्या हो गई, वापस से तुगलकाबाद क्या हो गई, कैपिटल हो गई तुगलक डायनेस्टी की। अब क्वेश्चन ये बनता है कब हो गई वापस से दिल्ली, दिल्ली सल्तनत की, मतलब कि तुगलक डायनेस्टी की कैपिटल दिल्ली कब हो गई वापस से, देन आंसर विल बी, आपको ध्यान रखना है 1327 में शिफ्ट किया और 1334 में वापस से दिल्ली ये सारे सिविलियंस को लेकर शिफ्ट हो गया, क्योंकि वहां पे प्रॉब्लम्स होने लगी, वहां पे कोई भी प्री प्लान नहीं था, प्री अरेंजमेंट्स नहीं थे, यही रीजन है कि ये स्कीम क्या हो गई, स्कीम फ्लॉप हो गई। दूसरी एक सबसे बड़ी बात, इसने सिंचाई के लिए एक्चुअली एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ओपन किया था जिसका नाम था दीवाने कोही, ध्यान रखना है आपको, दीवाने कोही ये इसने सेटअप किया था, लेकिन वहां पे भी प्रॉपर सिंचाई की व्यवस्था ना हो पाने की वजह से लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, जो कि फाइनली स्कीम मूव नहीं कर पाई, वो भी स्कीम फेल हो गई। यही एक रीजन है कि इसे पागल राजा या मूर्ख राजा के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अभी एक क्वेश्चन और यहां से करता है, देखिए एक क्वेश्चन यूपी पीसीएस का पूछा हुआ है कि कौन सा ऐसा सुल्तान था जिसके मरने पर यह बोला गया था कि प्रजा भी खुश और सुल्तान भी खुश, देन आंसर विल बी मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की जब मृत्यु हुई थी, जब इसकी डेथ हुई थी, तो किसी ने यह बोला था कि प्रजा भी खुश और राजा भी खुश, मतलब कि ऑब्वियस सी बात है इसका आंसर क्या होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। अब एक क्वेश्चन मेरी तरफ से मैं रेज करता हूं कि यह किसने कहा था कि प्रजा भी खुश और राजा भी खुश, तो आपको ध्यान रखना है यह किसने कहा था, बदायूनी ने कहा था, बदायूनी। अभी आपसे पूछता है अगर कि ये बदायूनी कौन था, तो आपको ध्यान रखना है ये एक हिस्टोरियन था, ये एक इतिहासकार था जिसने ये बोला था। अभी आ जाते हैं फिरोज शाह तुगलक पे, देखिए फिरोज शाह तुगलक से बहुत अच्छे क्वेश्चन करता है। फिरोज शाह तुगलक का पहला तो टाइम पीरियड आपको ध्यान रखना है 1351 to 1388। अभी दूसरी बात मैं आपको बता दूं, फिरोज शाह तुगलक से मोहम्मद बिन तुगलक का रिलेशन क्या था, मोहम्मद बिन तुगलक तो गयासुद्दीन तुगलक का बेटा था, फिरोज शाह तुगलक से मोहम्मद बिन तुगलक का रिलेशन ये था, देखिए ये तो इसका बेटा हुआ गयासुद्दीन तुगलक का, गयासुद्दीन तुगलक का एक यंगर ब्रदर था, और उसी इसके यंगर ब्रदर का बेटा कौन है, फिरोज शाह तुगलक, मतलब कि फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का कौन हुआ, कजिन हुआ, ऑब्वियस सी बात है। सो 1351 में इसकी डेथ हो जाने के बाद टेक ओवर कौन कर लेता है, फिरोज शाह तुगलक कर लेता है। अभी देखो फिरोज शाह तुगलक
कि अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसे डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हिस्ट्री में बहुत याद किया गया है तुगलक डायनेस्टी में। एक्चुअली मैं तो यही बोलूंगा कि तुगलक डायनेस्टी में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट किसने किए हुए हैं, फिरोज शाह तुगलक ने किए हुए हैं। अब देखिए यहां से क्वेश्चन क्या करता है, पहला क्वेश्चन तो आपसे टाइम पीरियड का करेगा जो कि आपके सामने लिखा हुआ है। दूसरा एक क्वेश्चन ये करता है कि ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने दीवान-ए-खैरात नेम का एक डिपार्टमेंट था वो एस्टैब्लिश किया था। तो आपको ध्यान रखना है फिरोज शाह तुगलक, दीवान-ए-खैरात इसने एस्टैब्लिश किया था। दीवान-ए-खैरात क्या था, आपको नाम से ही पता लग रहा है, खैरात मतलब मुफ्त में बांटना, मतलब कि लोगों को मुफ्त में खाना दिया जाता था, गरीबों की मदद करना करने के लिए एक डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश किया था। इट इज कॉल्ड दीवान-ए-खैरात। किसके थ्रू एस्टैब्लिश किया गया था, फिरोज शाह तुगलक के थ्रू एस्टैब्लिश किया गया था। दूसरा एक क्वेश्चन आपसे ये करता है कि कौन सा दिल्ली सल्तनत का ऐसा सुल्तान है जिसके पास सबसे ज्यादा स्लेव थे। यस, तो आपको ध्यान रखना है आंसर विल बी अगेन फिरोज शाह तुगलक। यही वो सुल्तान है जिसके टाइम पीरियड में या फिर जिसके पास सबसे ज्यादा स्लेव थे, सबसे ज्यादा गुलाम ये रखता था, और उन गुलाम को रखने के लिए एक डिपार्टमेंट इसने एस्टैब्लिश किया था। इट इज कॉल्ड दीवाने बंदगान। यस, नाम से ही आपको समझ आ रहा है, बंदगान मतलब बंदी गृह, लोगों को बंदी बनाया जाता हो जहां पर। सो स्लेव्स के लिए एक डिपार्टमेंट इसने एस्टैब्लिश किया, इट इज कॉल्ड दीवाने बंदगान। किसने एस्टैब्लिश किया, फिरोज शाह तुगलक ने। अगेन आपको तीन क्वेश्चन फिरोज शाह तुगलक से मिल चुके हैं। चौथा क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं, यूपीएससी का ये क्वेश्चन है, एसएससी भी पूछ सकता है ऑब्वियस ही बात है। ऐसा कौन सा सुल्तान था या ऐसा कौन सा एम्परर था जो भारत में अशोक का पिलर लेकर आया था, मतलब कि हिंदी में बोले तो अशोक स्तंभ, जो कि आज आप हर जगह देखते हो, जो कि एक प्राइड है हमारे लिए। सो अशोक का पिलर कौन लेके आया था भारत में, आपको ध्यान रखना है फिरोज शाह तुगलक ही लेकर आया था। यस, ये सारे क्वेश्चन यहां से आपके क्लियर हो जाते हैं आई होप। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन आपके सामने लेके आता हूं, एसएससी के सारे मॉड्यूल्स में पूछा जा चुका है, एक नहीं हजार बार एसएससी पूछ चुका है, यूपीपीसीएस भी पूछ चुका है बहुत बार, लेकिन आपको एक नंबर तो देके ही जाएगा अगर पता होगा। आप लोगों ने नाम सुना होगा इब्न बतूता का। यस, इब्न बतूता एक हिस्टोरियन था, एक इतिहासकार था और एक ट्रैवलर भी था। ऐसा बोलते हैं इब्न बतूता के बारे में कि केवल 30 ईयर की एज में, केवल 30 साल की उम्र में ही लगभग सारे मुस्लिम कंट्रीज वो घूम चुका था, और लगभग 30-40% नॉन मुस्लिम कंट्रीज भी घूम चुका था। सो एक क्वेश्चन ये कहता है कि इब्न बतूता किसके टाइम पीरियड में इंडिया में आया था, देन आंसर विल बी मोहम्मद बिन तुगलक। यस, आपको ध्यान रखना है मोहम्मद बिन तुगलक की ही कोर्ट में इब्न बतूता आया था, और ये जितनी भी बातें हमें, जितनी भी स्कीम्स के बारे में पता लगता है मोहम्मद बिन तुगलक की, या फिर ये बात कि प्रजा भी खुश राजा भी खुश, ये सारी बातें किसने कही, ये सारी हमें इब्न बतूता की बुक से ही मिलता है। यस, इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट हायरार्की में। आप देख रहे हो यहां पे कई सारे नाम लिखे हुए हैं, मोहम्मद तुगलक, मोहम्मद शाह या फिर तुगलक शाह, ये तीनों एक ही बंदे के नाम है। ये मैंने इसलिए यहां पे कई सारे नाम एक साथ लिखे हुए हैं क्योंकि आप मल्टीपल बुक्स पढ़ोगे सो आपको मल्टीपल नेम्स मिलेंगे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये तीनों नाम एक ही बंदे के हैं। कई जगह अलग अलग नाम लिखे हुए हैं, हिस्ट्री में एक्चुअली बहुत सारे मिथ है। बस एक चीज आपको एडवाइस करूंगा कि जब भी हिस्ट्री की बात आए तो फ्रेंड्स कभी भी आपको गूगल नहीं करना है, क्योंकि गूगल में आप विकिपीडिया देखते हो और विकिपीडिया में एडिट का ऑप्शन है, इवन आप भी कुछ भी एडिट कर सकते हो, मैं भी कुछ भी एडिट कर सकता हूं। सो प्लीज गूगल में आप मत जाना, क्योंकि गूगल में आप एक फैक्ट सर्च करोगे और वहां पे आपको 4-5 रिजल्ट मिलेंगे, सो आप कंफ्यूज ही हो गए वहां पे। सो आपको बस ध्यान रखना है, आप जो भी सोर्स मैंने आपको बताया हुआ है स्टडी प्लान वाले वीडियो में भी, आपके पास कोई भी बुक हो आप उस पर रिलायबल रहो, बस आप उस पर भरोसा करते रहो, उस पर ट्रस्ट रखो और उसी बुक को पढ़ते रहो। हिस्ट्री में सब कुछ ओके है अगर आपकी डेट्स क्लियर है और फैक्ट्स क्लियर है, बस। ओके, सो होपफुली तुगलक डायनेस्टी से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ये सारे मैंने डिस्कस किए, आपको क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सो आप हमें कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। सो गाइज, इफ यू एंजॉयड दैट वीडियो देन लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल इट्स इंडियन एरिना, और भेजते रहिए हमें अपने व्यूज ताकि हम आप तक बेटर कंटेंट अपने वीडियोज के थ्रू पहुंचा सकें। थैंक यू।